इस वक्त की अपराध जगत की खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। लूट की घटना का सफल खुलासा करते हुए लूट के 30,000 रुपए नगद, मोबाइल फोन, घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल, अवैध तमंचे के साथ पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली मार के पुलिस ने घायल कर दिया। वहीं आपको बता दें गिरफ्तार भी कर लिया है और वह अन्य दो लुटेरे सहित तीन शातिर अंतर जनपदीय बदमाशों की हुई है गिरफ्तारी। के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर अभिनव त्यागी ने दिया है बड़ा बयान, बताया किस तरीके से लूट की घटना का किया है उन्होंने पर्दाफाश और मारी है लुटेरों को गोली। आइए डालते हैं आजाद अंसारी की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। अच्छा, इंडिया न्यूज वाले सभी लोग वहीं थे। घटना का सर सफल अनावरण हुआ है, लूट की घटना क्या संदर्भ सर, क्या पूरा मामला जरा? आज दिनांक 12/2/2024 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल सर के निर्देशन द्वारा चलाए जा रहे अभियान में थाना अरौली बाजार में मुकदमा अपराध संख्या 34/2024 का सफल अनावरण हुआ है। इस अपराध में तीन अभियुक्त टोटल गिरफ्तार किए गए हैं, उन्हीं में से एक अभियुक्त को पुलिस एनकाउंटर में चोट भी हुआ है। वो अभियुक्त जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम संदीप कुमार पुत्र अलगू प्रसाद निवासी ग्राम चौरी चौरा गोरखपुर, रामकृष्ण पासवान पुत्र पन्नेलाल ग्राम मड़ापार थाना जनपद गोरखपुर, और तीसरा अभियुक्त संदीप उर्फ मोनू कुंड पुत्र उदयवान निवासी पिपराइच जनपद गोरखपुर है। इनके पास से लूटे गए 30,000 रुपये, लूट में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल, एक अवैध पिस्टल 32 बोर, एक अवैध तमंचा 315 बोर रिकवर किए गए हैं। ये थाना की पुलिस टीम एवं जो हमारी क्राइम टीम है उनका संयुक्त ऑपरेशन था और एसपी सर के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान में ये अनावरण हुआ है। इनका सर किस तरह के लुटेरे थे, क्या पिछले अपराधिक इतिहास क्या रहा है? इसमें अभी तक की जो प्राथमिक जानकारी इकट्ठी की गई है उसमें जो संदीप कुमार पुत्र अर्जुन प्रसाद है उसके ऊपर गोरखपुर जनपद में एक आपराधिक इतिहास है जो वो 302 और 394 आईपीसी का अभियुक्त है। इसके अलावा बाकी जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वो विवेचना में सम्मिलित की जाएगी।